सब्सक्राइब कीजिए अराइव एंटरटेनमेंट को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर। हाय गाइस, मैं सदर्फ और आप देख रहे हैं अराइव एंटरटेनमेंट। जैसे कि आप जानते हैं, काफी लंबे समय के बाद मैं आपसे रूबरू हुई हूँ। कोरोना वायरस के चलते आप, मैं, सब लोग अपने घर में कैद थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इस बीच हम लोगों ने कैसे सफ़र किया, लोग किन किन परेशानियों का सामना कर रहे थे, इसी बारे में बात करने के लिए आज हम लोगों से उनका रिव्यू जानेंगे। तो लेट्स गो। मैम, आपका नाम? लीना। मैम, कोरोना ने आपके जीवन को किस तरह प्रभावित किया है, कुछ बता सकते हैं आप? बहुत ज़्यादा प्रभावित किया हुआ है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, सबसे पहले तो हमें इसी बच्चों की टेंशन है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल बंद हैं, और वैसे भी मंदी इतनी आ गई है, लोग सोच समझ के खर्च कर रहे हैं, लोगों की जॉब्स चली गई, बेरोजगार हो गए, हर जगह पे मंदी मंदी है, परेशानी परेशानी हर जगह पे। पवन जी, मास्क लगाने से क्या कोरोना से बचा जा सकता है, आपको क्या लगता है? मैं मुझे नहीं लगता कि मास्क लगाने से कोरोना से बचा जा सकता है। बस मास्क ये है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है और कुछ नहीं इसके अलावा। ये एक फैशन बन गया, मोदी ने एक फैशन निकाल दिया, मोदी जी ने, जो जिसने भी निकाला है आई थिंक। बट मुझे ही लगता है कि मास्क लगाने से कोरोना से बचा जा सकता है, सैनिटाइजर यूज करने से कोरोना से बचा जा सकता है। आपका नाम? मेरा नाम सुनील कटोच है। सर, जैसे कि कोरोना के कारण ये एक कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, लोगों से लोगों में फैलता ही जा रहा है, तो आप अपने आप को कैसे सेफ रख रहे हैं इस दौरान? देखिए, हम अपने आप को सेफ कर रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करके चल रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, थोड़ा एक दो गज की दूरी डिस्टेंस करके एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। यही मेन मोटो है जो मोदी साहब का कहना है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, डिस्टेंस में रहिए, एक दूसरे के संपर्क में कम आइए, कम से कम घर से बाहर निकलिए, यही मेन चल रहा है। थैंक यू। यह है कि हम लोग शॉप से बाहर ही नहीं आते हैं, डर के मारे चलते हैं। कोई कस्टमर अंदर आता है तो उसको पहले सैनिटाइज करते हैं, खुद भी डरे पड़े अंदर से, मगर क्या है, रोजी रोटी तो कमाने के लिए आना ही पड़ेगा ना, इसीलिए बहुत सफ़र कर रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम है ये मास्क जो हम लगाते हैं, हमारा दम घुटता है। भगवान से दुआ है ये सारी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा। थैंक यू मैम। यही प्रॉब्लम। कोरोना के चलते मैम, आपने कैसे सफ़र किया है, आप क्या कहना चाहती हैं? 4 महीने तक हम लॉकडाउन में घर में ही थे, 4 महीने तक। उसके अलावा घर का खान पीन या फिर कैसे किया आप? वो तो ऑनलाइन ऑर्डर करके सब कुछ किया हम लोगों ने। मगर सैलरी मतलब नहीं मिली? सैलरी हम लोगों को मिली थी लॉकडाउन में। मिली थी? हाँ। कितना मिला था? जितनी आती है सेम सैलरी थी हम लोगों की, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है? नहीं। तो जैसे कि गाइज आपने देखा, लॉकडाउन के चलते लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है और हमने बहुत सारी बातचीत की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपने क्या क्या सफ़र किया, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। देखते रहिए अराइव एंटरटेनमेंट। सब्सक्राइब कीजिए अराइव एंटरटेनमेंट को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी